नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजन कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक बिना आपका वक्त जाया किए हुए। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो फॉर्म निकले थे ऑल ओवर इंडिया से, जिसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ही घर बैठे हुए, ये है वो वीडियो। अगर आपने अभी तक नहीं देखी इसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट, इसकी पूरी एलिजिबिलिटी, तो इस वीडियो में आपको वो मिल जाएगी। लेकिन जिन लोगों को इसकी एलिजिबिलिटी पता है, सब कुछ पता है, वो लोग बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में कंटिन्यू, क्योंकि मैं आज आपको अप्लाई करके बताने वाला हूं, क्योंकि इसकी आज से स्टार्टिंग डेट है और आपको मैंने दो दिन पहले ही इसका अपडेट जो था वो दे दिया था। तो ये है हमारी पेज वेबसाइट जहां पे मैंने इसकी पूरी डिटेल दी थी, जिसका की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसको मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूं और थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूं। दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी थी 1430 थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी जिसमें ग्रेजुएशन मांगी हुई है और कंप्यूटर की नॉलेज है, लेकिन सिर्फ ग्रेजुएशन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, नथिंग एल्स। जरूरी नहीं आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। 18 साल से लेकर 27 साल एज थी, जिसमें रिलैक्सेशन जो है आपको मिनिमम जो ये मिल रही है वो 5 साल की एससी एसटी को, 3 साल की ओबीसी को मिल रही है। एप्लीकेशन फीस 100 जनरल ओबीसी के लिए और नो फीस फॉर अदर्स। अब बात है ऑनलाइन अप्लाई की, तो ये है वो लिंक जो मैंने डाला हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे, आपको इस पेज का लिंक मिल जाएगा। आप भी यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, या फिर ये देखिए अब ये वेबसाइट ओपन हुई है, तो या फिर ये आप ये जो लिंक है इसे नोट कर लीजिए और सीधा ही गूगल पे सर्च करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो इस तरह से कुछ पेज ओपन होगा, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देना है। तो उसके बाद ये रजिस्टर्ड है यहाँ पे, फिर आपने ये जो रजिस्टर्ड यहाँ पे लिखा है और न्यू यूजर क्लिक लिखा है यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। चलिए अब हम इसे फिल करते हैं। सबसे पहले आपको देना है अपना नाम, विवेक कुमार जैसे कि मेरा निकनेम है। उसके बाद ये लास्ट नेम, अगर आपका मिडल नेम है तो दे सकते हैं। उसके बाद ये ईमेल आईडी है, मेल आईडी जो है छोटे अक्षरों में लिखिएगा @rediffmail.com, ठीक है। दोबारा से है mailtest12345@rediffmail.com। चलिए, उसके बाद मोबाइल नंबर है 8716047308, और उसके बाद ये फिर से मोबाइल नंबर है 8716047308, और उसके बाद ये जेंडर पूछ रहा है मेल। चलिए, उसके बाद मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, कैटेगरी एससी है मेरी, और ये वेदर डोमिसाइल मेरे पास जम्मू एंड कश्मीर का नहीं है, और वेदर गुजरात पायरेट्स में नहीं हूँ भाई, राइट्स है ये कुछ, और एक्स सर्विसमैन में नहीं हूँ। ये एक्स सर्विसमैन होता है जो काम करके आ चुका होता है ऑलरेडी, गवर्नमेंट जॉब पूरी करके रिटायर होके, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी मैं नहीं हूँ। उसके बाद आप तो उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ है 01 और जनवरी और 1995। चलिए ये हो गया। उसके बाद ये कोड है लिखा हुआ, 0 है मेरे ख्याल से ये, और 1 है, फिर 6 है और स्मॉल में क्यू है। अब इसे मैं कर देता हूँ रजिस्टर्ड नाउ। ये कह रहे प्लीज फिल्ड मार्क्ड विद रेड, कुछ रह गया क्या? रेड के साथ तो कुछ भी नहीं था। चलिए दोबारा से ये डेट ऑफ बर्थ इसने मेरी अपने आप ही ले ली है जनवरी, और ये रही 1995, और ये कोड है MXM5 और रजिस्टर्ड नाउ। चलिए ये देखिए मेरी ये ऑलमोस्ट डिटेल बन चुकी है और ये मुझे बता भी रहा है, कहते हैं रिव्यू प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, जी मैंने कर ली है। उसके बाद ये पूछा बिफोर प्रोसीडिंग, ठीक है, डिटेल एंटर बाय यू आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू विल नॉट एबल, तो आप इसके बाद चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, यस। और आगे देखते हैं अब क्या ओपन होता है, चल रहा है। तो ये अब पेज ओपन हो गया। डियर कैंडिडेट, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंसी ऑफिसर, ठीक है। तो ये है मेरी रजिस्ट्रेशन आईडी जो कि इन्होंने यहाँ पे दे दी है, और पासवर्ड जो है इन्होंने कहा कि आपकी ईमेल आईडी पे हमने सेंड कर दिया है, कोई बात नहीं। चलिए, मैं वैसे भी लॉगिन हूं तो मुझे अब लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, लॉगिन करना पड़ेगा। ये देखिए अब मुझे रजिस्टर्ड है यहाँ पे, आईडी जो है वो देनी पड़ेगी, तो मैं अपने ईमेल आईडी पे चेक कर लेता हूँ एक बार। तो ये देखिए मेरी ईमेल आईडी में मुझे मैसेज जो है वो आ चुका है, इनका तो आ गया लेकिन आईटीबीपी का अभी तक नहीं आ रहा है। तो ये रहा मेरा यूजर नेम जो इन्होंने यहाँ पे दिया था। तो चलिए दोस्तों अब मुझे करना है यहाँ पे लॉगिन। तो ये मांग रहा है मेरे से ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड आईडी MHA, यही कुछ आई थी मेरी
MHA 11001 11001 4524 4524। उसके बाद ये पासवर्ड है, तो पासवर्ड था, चेक कर लेते हैं, VIVE, हाँ VIVE 0101995। उसके बाद ये कोड 6E1X, ठीक है, और ये लॉगिन, डोंट सेव। चलिए ये कुछ इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होगा। लॉगिन हम हो चुके हैं आपके सामने। ये है मेन प्रोसेस जो आपको सबसे पहले करनी है। जब ये हो जाती है तो उसके बाद चार स्टेप और हैं। एक है स्टेप वन, जिसमें कि आपको पूरी डिटेल फिल करनी है, जो कि मैं आपको करके बताऊंगा। उसके बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस जो है वो पे करनी है, चाहे नेट बैंकिंग, चाहे आपके पास एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, जो भी है उससे आप कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ आपको अपना जो फॉर्म है उसे एक बार प्रीव्यू देना है, व्यू करना है, और आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी अपडेट कर चुके हैं वेबसाइट को, जिस तरह से ये यहाँ पे घूम रहा है, लेकिन मैं आपको पूरा फिर भी बताऊंगा कि किस तरह से इसमें आपके आपके सामने कौन से क्वेश्चन आएंगे और आपको उनको आंसर कैसे देना है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे जो है, देखिए ये मुझे फिर से लॉगिन पेज पे ले आएगा आपके सामने दोबारा से। तो कोई बात नहीं, मैं वहां पे अगर नहीं करके बता सकता तो, लेकिन ऐसे तो आपको बता ही दूंगा। ये देखिए ऊपर एक ऑप्शन है हाउ टू अप्लाई, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि उसमें आपको क्या पूछा जाएगा। ये जो एप्लीकेशन डिटेल थी हमने जो कंप्लीट की वो थी यहां तक, एसएस कोड तक, जो हमारे पास ईमेल आईडी में आया। उसके बाद ये था स्टेप टू, एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने आपको वहां पे बताया। उसमें सबसे पहले तो एक आपने प्रीव्यू देखना है, ठीक है, प्रीव्यू नहीं, ये उसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फादर हस्बैंड नेम, ठीक है, अपने फादर का नेम, हस्बैंड का नेम जो है दीजिए। उसके बाद रिलेशन बताइए अपना, ठीक है, रिलीजन बताइए हिंदू मुस्लिम, नेशनलिटी बताइए इंडियन, एड्रेस, आधार नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना रहने दीजिए। होम स्टेट, आपकी स्टेट कौन सी है, फिर आपके पास ये क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डेट जो है वो पूछी जाएगी, जिसमें आपको बताना है नेम ऑफ द कोर्स, आपने कौन सा किया, कॉमर्स, जिसमें भी किया है वो बताइए। डिसिप्लिन, सब्जेक्ट, ट्रेड कौन से थे आपके, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, बोर्ड नेम, कहां से किया आपने ग्रेजुएशन वगैरह वो बताइए। रिजल्ट आ चुका है या नहीं आ चुका है वो आपने बताना है, परसेंटेज कितनी, मोड ऑफ एग्जाम कौन सा था, और आपने कौन से साल में पास की, कौन सी, एक होगी दसवीं, दूसरी बारहवीं, और ग्रेजुएशन, ठीक है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस जो है आपका, एड्रेस लाइन पहला लिखिए, फिर टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, यूनियन टेरिटरी आपको बतानी है, और पिन कोड बताना है। ये बताने के बाद आपको अपना सेंटर जो है एग्जामिनेशन वो चुनना है कि आप कहां पे जाके एग्जाम देना पसंद करेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन होगी, टिक लगाना है आपने, ठीक है, टिक लगाने के बाद प्रीव्यू आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा पूरा, आपने उसको देखना है कि वो पूरा ओके है या नहीं, उसको देख लेंगे। तो फिर स्टेप थ्री होगा, आपने प्रोफाइल और फोटो अपलोड करनी है, फिर आप प्रीव्यू एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना ही सारा कुछ है जो आपको मैंने बताया है, इसके अलावा आपसे कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो जरूर मैसेज कर दीजिएगा, और इसके आगे भी मैं कोशिश करूंगा, अगर ये आईडी एक्टिवेट हो जाती है, अभी तक तो फिलहाल हो चुकी है, वेबसाइट चलेगी तो मैं इसके आगे वाली प्रोसेस की दोबारा से वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के फास्ट अपडेट पाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा।